Hello everyone and welcome back once again in the sessions of summaries. And today we will be discussing the summary of chapter number 5 of class 11 and it's from the Hornbill book and the name of the chapter is The Ailing Planet, The Green Movement's Road. This chapter was originally an article written by Nani Palkhiwala published in The Indian Express on November 23rd, 1994. देखो ये जो पार्ट है ये जो चैप्टर है हमारा इसको ओरिजिनली एक्चुअली एक आर्टिकल के तौर पर पब्लिश किया गया था और ये आर्टिकल किसने लिखा था ये नानी पालकीवाला जी के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल था जिसे उस वक्त किस वक्त 23rd November 1994 के दौरान इंडियन एक्सप्रेस जो एक न्यूज़पेपर का नेम है इस न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था यानी कि छपा था. इट फोकसेस ऑन दी फैक्टर्स. अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था ये या ये जो हमारा चैप्टर है वो किस पर जोर डाल रहा है. इट फोकसेस ऑन दी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ दी अर्थ. देखो अर्थ का मतलब है पृथ्वी और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है. डिक्लाइन का मतलब होता है जो चीज डिटीरिएट हो रही हो मतलब डिक्रीज हो रही हो डिमिनिश हो रही हो. तो ये जो चैप्टर है वो फोकस कर रहा है उन सब तत्वों पर उन सब डिटर्मिनेंट्स पर जो लाइबल हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पृथ्वी के स्वास्थ्य की गिरावट के लिए. मतलब एक तरीके से जो पृथ्वी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है उसके लिए ये कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में और क्या बता रखा है. ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन एक्सप्लॉइटिंग दी नेचुरल रिसोर्सेज विच हैज मेड दी एनवायरमेंट क्रिटिकल. देखो ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है मानव. तो मानव क्या करता आ रहा है. मानव जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका नाजायज इस्तेमाल उनका शोषण करता आ रहा है जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है जो हमारा वातावरण है वो क्या होता चला जा रहा है उसकी कंडीशन कैसी होती चली जा रही है बहुत ही गंभीर यानी कि क्रिटिकल होती चली जा रही है. दस इसलिए मैन हैज बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दी वर्ल्ड. एक्चुअली एक आपने अगर चैप्टर सुना हो तो जू की अथॉरिटीज ने ये अनाउंस किया था ये डिक्लेरेशन की थी कि जो मैन है एक्चुअली वही सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है. ठीक है नेक्स्ट देखो क्या है. द ग्रीन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड इन 1972 क्योंकि हमारे चैप्टर में बेसिक ये है ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है. तो ये ग्रीन मूवमेंट जो है वो 1972 में स्टार्ट हुई थी और एक्चुअली इसी के बाद एनवायरमेंट को किस तरह से कंजर्व किया जाए मतलब किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए सो दैट आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस भी इस एनवायरमेंट में ड्वेल कर सकें रह सकें. तो यहां पर 1972 में इस मूवमेंट के जरिए ये इशू ये मुद्दा उठाया गया था ताकि हमें हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. अर्थ हैज बिकम ए पेशेंट हुज हेल्थ इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे. देखो अगर आपने ये चैप्टर का नाम देखा हो तो यहाँ पर एलिंग प्लैनेट लिखा हुआ है. प्लैनेट यहाँ पर हमारी अर्थ से ही रिलेटेड है ये वर्ड. ठीक है ये अर्थ को डिनोट कर रहा है. एलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है. देखो एलिमेंट का मतलब होता है डिसीज. अब यहां पर आपको एलिंग वर्ड दिया हुआ है तो एलिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लैनेट जो बीमारी से घिरा हुआ है बीमार है. तो अर्थ को यहां पर बताया गया है आपको कि अर्थ एक पेशेंट बन चुकी है जिसकी हेल्थ जो है वो दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है डिक्लाइन होती चली जा रही है. अब फिर से ग्रीन मूवमेंट के बाद और क्या स्टेप्स लिए गए हैं आपको यहां बता रखा है. इन 1987 द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. जो ये संस्था है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन्होंने इस वर्ल्ड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की
एक कंसेप्ट को 1987 में पॉपुलराइज किया था, काफी प्रसिद्ध किया था। और ये डेवलपमेंट, ये पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, जब आप विकास कर रहे हो लेकिन इस तरीके से कर रहे हो कि आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी सोच रहे हो, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो लेकिन इस तरीके से करो कि आप फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी उन्हें सेव कर रख सको। तो अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट हमें क्या बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेस्टर ब्राउन, दी productivity of global economic system has been damaged. अब देखो, इन्होंने economic system, global economic system के बारे में हमें बताया था कि बहुत सारे हमारे पास, हमें four basic इन्होंने ecological system हमें बताया था, जिसमें basically included था fisheries, grasslands, forests and croplands. तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया था कि जो ये हमारे फोर मेन कंपोनेंट्स थे वो क्या हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी काफी लो जा रही थी, यानी कि काफी डैमेज हो रही थी, विच वाज अगेन अ डिक्लाइनिंग फेज ऑफ आर एनवायरमेंट, डिक्लाइन, हेल्थ डिक्लाइन हो रही थी, किसकी हो रही थी, हमारी अर्थ की। अब देखो हमें नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, Survival of not just people but of the planet has been of utmost concern. अब हो क्या रहा था, या अब हमें क्या जरूरी है, अभी जरूरी है हमें कि लोगों के बचाव के लिए नहीं, कि लोग जिंदा रहें, सिर्फ इस पर नहीं, हमें पृथ्वी को, हमें हमारे प्लैनेट को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये जरूरी है कि हमारा प्लैनेट भी सरवाइव करे, अगर हमारा प्लैनेट ही नहीं सरवाइव करेगा, मतलब अगर हमें हमारे प्लैनेट पर एक तरीके से अगर वो सरवाइव नहीं करेगा, तो हमें हमारे सर्वाइवल के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती हैं वो कंडीशंस अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, तो ऑटोमेटिकली हम भी डेथ के डेंजर में, मौत के मुंह में जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ लोगों के बारे में नहीं, हम प्लैनेट के बारे में भी सोचना शुरू करें, पृथ्वी के बारे में भी सोचना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन has made the situation more vulnerable, मतलब क्वालिटी को और भी ज्यादा बेकार, पृथ्वी की हालत को और भी ज्यादा बेकार किसने कर दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, जो नवीनीकरण होता चला जा रहा है, जो इंडस्ट्रीज ही सेटअप होती चली जा रही हैं, जिस ओवर पॉपुलेशन की वजह से, और मतलब जो जनसंख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि पेड़ जो दिन प्रतिदिन लेस होते चले जा रहे हैं, हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं, ग्रीनरी खत्म होती चली जा रही है, जो उसकी वजह से जो सिचुएशन है वो बद से ज्यादा बदतर होती चली जा रही है। तो जरूरी है, वैसे तो बहुत जगह पे आज की डेट में हो रहा है, क्योंकि ये आर्टिकल 1994 का है, ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल भी किया जा चुका है, लेकिन स्टिल फिर भी हमारी जो हालत है, हमारी पृथ्वी की जो हालत है, वो बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए हमें अभी भी बहुत ही ज्यादा कंसर्न करने की, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो, जिस अवेयरनेस की, जिस एजुकेशन की बात हम अब भी करते हैं, एक्चुअली इस चीज को उसी वक्त भांप लिया गया था नैनी पालकी वाला जी के द्वारा। उन्होंने क्या कहा, दी ओनली सोल्यूशन इज डिवेलपमेंट, सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि जो इकोनॉमिक से, इकोलॉजिकल सिस्टम से कंसर्न करने वाले लोग थे, उन्होंने सबने ये कहा कि जो एकमात्र हमारे पास सोल्यूशन है वो है डिवेलपमेंट। अब डिवेलपमेंट जो है वो किस फॉर्म में, डिवेलपमेंट इन द सेंस ऑफ इंक्रीज्ड अवेयरनेस, कि लोग अवेयर हों, जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे, जितना उन्हें पता लगेगा कि क्या प्रेजेंट कंडीशन है पृथ्वी की, किस तरह से पृथ्वी जो है वो एक पेशेंट बन चुकी है, और जितना ज्यादा हम उन्हें एडुकेट करेंगे कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, या हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस तरीके से होगा क्या, इट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ ऑफ मदर अर्थ, तो हम एक तरीके से अपनी पृथ्वी माँ को बचा सकते हैं। लास्ट में हम कंक्लूड करने के तौर पर कह सकते हैं कि जो लेस्टर ब्राउन है, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है,
has correctly said that we have not inherited. Inherited का मतलब विरासत में मिलना. तो we have not inherited the earth from our forefathers. हमें अपने ancestors से, अपने पूर्वजों से ये विरासत में नहीं मिली है अर्थ. बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर फ्यूचर generations. एक्चुअली हमने अपनी आने वाली generations से ये उधार ली है. अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी हमें कुछ छोड़ना है. अगर हम ही सारा कंज्यूम कर लेंगे, अगर हम ही अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो सोचकर देखो कि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन हैं उनका क्या होगा. उन्हें तो प्योर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा हालत खराब हो रखी है. तो इसलिए जरूरी है कि हम पहचाने कि हम किस तरीके से अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दस वी मस्ट रियलाइज, हमें ये रियलाइज करना चाहिए, हमें ये महसूस करना चाहिए अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेविंग अर्थ. अपनी जो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम किस तरह से अपनी जिम्मेवारी को समझें कि किस तरह से हम अर्थ को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देरी हो जाए. तो मुझे उम्मीद है कि जो आज का ये समरी का सेशन था वो आपको पसंद आया होगा. बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली आज की इस समरी को हमने डिस्कस किया है. अगर आपको समरी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.